हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मोबाइल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे फ़ोन में आने वाले नोटिफिकेशंस को कैसे बंद किया जाए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि वो आए और हम उन्हें बंद करना चाहते हैं। गूगल क्रोम में या कई दफ़ा कोई ऐसा वेबसाइट अगर किसी ने खोल दिया हो तो जिसका फालतू नोटिफिकेशन हमेशा आता रहता है, और कई दफ़ा मोबाइल हमारे फ्रेंड्स या पेरेंट्स के सामने रहता है या उनके हाथ में रहता है तो उस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे बहुत ही बुरा फील होता है। तो उस नोटिफिकेशंस को कैसे बंद किया जाए, चाहे वो गूगल क्रोम का हो या किसी भी अदर ऐप का हो, तो उसको बंद कैसे किया जाए, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले हम फ़ोन के सेटिंग में आएंगे। यहाँ से मोबाइल के सेटिंग में आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ से सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ हमें आ जाएगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, इस पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन आएगा, इस पर टच करेंगे। यहाँ से हमारे फ़ोन में जो भी ऐप इंस्टॉल्ड है वो सब आ जाएगा। तो अब अगर हमें क्रोम का नोटिफिकेशन बंद करना है तो यहाँ से हम क्रोम को पहले सेलेक्ट करेंगे, ढूंढ लेंगे क्रोम कहाँ है, और जैसे यहाँ डेली हंट है तो इसका बंद करना है तो इसको डिसेबल कर देंगे यहाँ से। फिर अगर फेसबुक का नोटिफिकेशन बंद करना है उसको भी बंद कर देंगे। किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन बंद करने के लिए हम उसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं यहाँ पे क्रोम कहाँ है, क्रोम ढूंढ लेते हैं। ये रहा क्रोम, क्रोम का नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेरे फ़ोन में बंद है, तो ये टच हुआ तो ये ऑन हो गया। अब तो इसको डिसेबल कर देंगे तो ये क्रोम का नोटिफिकेशन बंद हो गया। अब ये किसी तरह का फालतू नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन में नहीं आएगा। किसी भी नोटिफिकेशन को किसी भी ऐप के बंद करने के लिए आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं, और इसको वापस से ऑन करना हो तो फिर इसको टच करके इनेबल कर देंगे तो फिर ये वापस से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको चालू और बंद कर सकते हैं। और अदर फ़ोन में, ये सारे एंड्रॉयड फ़ोन में इस तरह से हो सकता है। अदर फ़ोन जैसे कि सैमसंग है, MI है, ओप्पो है, वीवो है, कोई भी फ़ोन है, तो सबको आपको सेटिंग में ही मिलेगा। सेटिंग में नीचे जाएंगे तो किसी में डायरेक्ट नीचे में ऐप मिल जाएगा। ऐप्स पे टच करेंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा परमिशन। किसी में नोटिफिकेशन कंट्रोल में मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग फ़ोन्स में जो है थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाला सारा वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे।